उच्च न्यायालय में गत वर्ष कुछ रिट पीड़ित पक्षों के द्वारा किए गए थे, जिसमें मुख्य रूप से आरोप था कि कुछ आपराधिक तत्व जो है तथाकथित अधिवक्ता क्लेम करते हुए और काले कोट की आग में अवैध तरीके से जमीन और मकान कब्जाने में संलिप्त हो गए, जिसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इस रिट की सुनवाई समय समय पर हुई और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कई सारे इसमें निर्देश निर्गत किए गए हैं और इसकी सुनवाई वर्तमान में भी प्रचलित है। इसमें पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ द्वारा एक एफिडेविट भी दिया गया और इनके सख्त कार्रवाई करते हुए सारे विवरण उपलब्ध कराए गए एवं एक विशेष सेल विशेष प्रकोष्ठ गठित करने की बात भी अंकित की गई, जिस क्रम में अवगत कराना है कि ज्वाइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर के कार्यालय में एक विशेष सेल गठित किया गया है, जिसमें एक उपनिरीक्षक स्तर का अधिकारी है जो इसके समस्त डिटेल्स की मॉनिटरिंग करेगा। इस सेल का मुख्य कार्य जो है ये जो माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में विस्तृत तरीके से बताया है कि इस सेल का मुख्य कार्य अवैध तरीके से जमीन और भूमि कब्जाने के प्रकरणों को देखना, माननीय न्यायालय के कार्यों में बाधा पहुंचाने वाले प्रकरणों को देखना, गवाहों को धमकाना, वादकारी को धमकाना, ऐसे प्रकरण की मॉनिटरिंग की जाएगी। यहाँ यह भी अवगत कराना है कि थानों पर पूर्ववत शिकायतें ली जाएंगी और जिस तरह से वहां पर FIR आदि कार्रवाई होती है वो की जाएगी। यदि किसी पक्ष को लगता है कि उसकी जमीन पर तथाकथित आपराधिक तत्वों ने अधिवक्ता खुद को स्वयं बताते हुए काले कोट की आड़ में कोई अपराध किया है और कोई गलत तरीके से मकान कब्जाने का प्रयास किया गया और उसकी सुनवाई यदि नीचे स्तर पर नहीं हुई है, तो वो अपनी बात जीसीबी लॉ एंड ऑर्डर के कार्यालय में उपस्थित होकर रख सकता है, जिसमें सघन जांच कराते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी और ऐसे समस्त प्रकरणों की विस्तृत मॉनिटरिंग करते हुए उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाया जाएगा। धन्यवाद। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।